Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and today we will discuss the Jainism. So this is our lecture number 3. So let's start. Yes, students. So we have already studied about the story of Buddha. Okay. After that, we studied about the Upanishad. Okay, so today we will discuss the Jainism. So first of all, we will study the Panini the Grammarian. ठीक है, ये एक ना आपके पास बुक्स में एक थोड़ा सी जो ऋषि पाणिनि थे उनके बारे में दिया हुआ है, और इनको इससे पहले हम स्टडी करते हैं. तो एक्चुअली स्टूडेंट क्या था इसके अंदर, देखिए पाणिनि जो ऋषि पाणिनि थे वो आपने नाम सुना हो कभी. तो जो हमने अभी बताया था ना आपको पिछले लेक्चर में कि जो हमारे पास पहले वैदिक टाइम की जो कहती संस्कृत थी वो इतनी ज्यादा टिपिकल थी कि उसे जो है जो बड़े जो ब्राह्मण होते थे, ठीक है, जो हमारे अपर स्टाटा होता था जिसके अंदर ब्राह्मण्स होते थे, तो वही सब उसको पढ़ पाते थे, लिख पाते थे, समझ पाते थे, और वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके सब कुछ करते थे. तो वो जो पाणिनि थे, ऋषि पाणिनि थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो संस्कृत थी ना, मतलब उसको ना एक ग्रामेटिकल वे दिया, उसको एक बड़ी ही सिस्टेमेटिक वे से, जो वोवल्स होते हैं या कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको एक स्पेशल ऑर्डर में लगाया, उनको अरेंज किया. ठीक है, तो मेन जो है ना ऋषि पाणिनि का जो है बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने उसको एक ग्रामरियन फॉर्म दिए, ग्रामर जो संस्कृत की जो ग्रामर है एक स्पेशल ऑर्डर में एक सिस्टमेटिक वे से लगाना, अरेंज करना, ये सब किसने किया था, पाणिनि, ऋषि पाणिनि. ओके, सो दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन ओल्डर स्कॉलर्स वर एट वर्क. तो ये जो था ना, ये वो टाइम था जिसमें कि कुछ क्या थे, दूसरे जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो भी क्या कर रहे थे, जो स्कॉलर्स थे वो भी खोज कर रहे थे. ठीक है, काफी वो मतलब आपने देखा, जैसे हम हमारा जो चैप्टर है उसका चैप्टर का नेम क्या है, न्यू थिंग्स एंड आइडियाज. तो हमने ये चीज, ये जो चैप्टर है उसका नेम है, और हमने उसमें बताया कि किस तरीके से जो नए नए वैल्यू, नए नए लोगों के जो है जो थिंकर्स थे, उन्होंने जब वेदों को उनको पढ़ना शुरू किया तो उनके माइंड में बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें आई, बहुत से वो और कुछ सोचने लगे, उसके उनके आंसर ढूंढने लगे, और उन्होंने क्या करना शुरू किया, नए नए आइडियाज, नए नए विचारों को. तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इसी टाइम के अंदर ना और भी दूसरे ऐसे स्कॉलर्स भी रहे हैं जो खोज कर रहे थे. सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि, और उनमें से जो सबसे जो फेमस रहे हैं वो थे ऋषि पाणिनि, हु प्रिपेयर अ ग्रामर फॉर संस्कृत. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है उसके लिए ग्रामर बनाई थी. ओके, ग्रामर प्रिपेयर की थी, एंड ही अरेंज द वोवल एंड द कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर. इन्होंने जितने भी जो हमारे वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं उनको एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया, एंड देन यूज दिस टू क्रिएट फॉर्मूला लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा. और फिर और उन्हीं के बेस पर ना इन्होंने जो फॉर्मूलाज थे, फॉर्मूलाज को जो उन्होंने क्रिएट किया, फॉर्मूला क्रिएट किए उसी के बेस के ऊपर. ठीक है, और लाइक जैसे अलजेब्रा में है. अच्छा, एक चीज आप लोग बच्चे, आपको मैं बताऊं कि जो हमारे जितने भी सभी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी हम जो चीजें पढ़ते हैं उसमें जो हमारे पास मैथ है, मैथ हमारा नेचुरल ट्रूथ है, क्योंकि और जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उस वो सब क्या है, वो नेचुरल ट्रूथ में नहीं आते. उसमें जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ मान के चलते हैं. लेकिन अब हमें देखिए, अब मान लो मैथ कैसे नेचुरल ट्रूथ है कि अगर हमने कहा कि 2 + 2 वो क्या है, इज इक्वल टू 4 ही होगा, उसमें आप और कोई एजम्पशन नहीं ले सकते कि भाई अगर ऐसा होगा तो ही ये 4 होगा. तो 2 + 2 आपका 4 ही होगा चाहे कभी भी हो, ठीक है, लेकिन वो 4 ही रहेगा. तो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक नेचुरल ट्रूथ है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऋषि पाणिनि थे उन्होंने इसी अलजेब्रा में जैसे पाया जाता ना, तो अलजेब्रा की तरह ही इन्होंने भी सेम ऐसे ही फॉर्मूलाज को क्रिएट किया. सो ही यूज्ड दीज टू राइट डाउन
the rules of the language in short formulas, around 3000 of them. और इनका यूज करके पर उन्होंने जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है उसके प्रयोगों के जो नियम है, जो फॉर्मूलाज है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज के रूप में उनको लिखा. नियर अबाउट वो कह रहे 3000 के नियर अबाउट उन्होंने फॉर्मूला जो है वो लिखे. ओके, तो ये ऋषि पाणिनी के बारे में था. सो नेक्स्ट टुडे वी विल डिस्कस द जैनिज्म. अब जैनिज्म क्या है? जैनिज्म जैसे हमने अभी बुद्धिज्म पढ़ा, एक चीज देखिए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों जो है ना, दोनों में एक ही जैसे से हैं, मतलब इनमें बहुत कम डिफरेंस है. अदरवाइज जो इनके जो इनके जो आइडियाज हैं या इनकी जो थिंक जो इनकी सोच है, ठीक है, तो उनके ना एक जैसे आइडियाज हैं इनके, जैनिज्म और बुद्धिज्म के. लेकिन कई जो है, कई लोग ये समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है. ठीक है, अब मान लो आप जैनिज्म में के अंदर पिक्चर देखें, या मतलब कि आप जैसे जो बुद्धिज्म में बुद्ध हैं उनके जो आइडियाज हैं, और जो जैनिज्म में जो ये आइडियाज देते हैं, जो ये विचार देते हैं, जो ये टीच करते हैं, उन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है. ये एक ही जैसे से विचारों को देते हैं. तो देखिए क्या है जैनिज्म के बारे में. अच्छा, जैनिज्म जो है, एक बात नहीं कि जो जैनिज्म जो आया ना, बुद्धिज्म या जैनिज्म जो आया, मेनली किस पर्पज से आया? इक्वालिटी को लेकर आया. ये इक्वालिटी लेकर आना चाहते थे. इक्वालिटी कैसे? जैसे कि हमने बात की, हम जब वैदिक, हमने आपने वेद देखे, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, और आपने वर्णास के बारे में पढ़ा. वहां पर वर्णा में देखा कि आपने जो पूरी सोसाइटी है उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फोर स्टेटा में, जिसके अंदर आपके पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, इनमें इस तरीके से डिवाइड किया हुआ था, जहाँ पर काफी इनइक्वालिटी थी. किसी को बहुत ज्यादा मतलब कि ऊपर माना जाता था, और किन्हीं को किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी. तो वहां पर ना इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी. तो जो बुद्धिज्म या जैनिज्म आया ना, ये ना इक्वालिटी लाना चाहते थे. ये कहते थे कि सभी जो है ये मतलब कि भगवान के ही बंदे हैं सभी, तो उसमें भगवान ने किसी के साथ भी कोई डिफरेंस नहीं किया है बनाने में. तो वो हर एक जगह पर उन्होंने इक्वालिटी को, उन्होंने समानता के ऊपर जोर दिया. ओके, सो यहाँ देखिए, तो वहीं से इसी के लिए जो जो थिंकर थे, जब उन्होंने उन चीजों को पढ़ा, और उन्होंने उनके लिए उनके माइंड में कई सारे क्वेश्चन अराइज हुए, फिर उन्होंने उनके आंसर ढूंढे, और उन्होंने वो इक्वालिटी को, समानता को, उन्होंने अपने उन क्वेश्चनों के आंसर के रूप में वो लेकर आए. ओके, सो द लास्ट एंड द 24th थिंकारा ऑफ द जिनास वर्धमान महावीरा. देखो मेन इसमें बहुत फेमस थीम है महावीरा जी का. तो जो ये देखो टाइम यही था हमारा, ठीक है, सारा टाइम वही चल रहा है. तो इस टाइम में मतलब कि आप बात करें तो नियर अबाउट 25 इयर्स है, ठीक है, 25 अराउंड दिस टाइम. क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, इसीलिए ना मतलब कि यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं कि 25 इयर्स एबो की बात कर ले, या हम ये कहें कि 500 BC के अंदर हम जाएं, ठीक है, तो वो उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. तो कहते हैं कि 25 जो 2500 ईयर्स पहले जो जैन धर्म था, जो जैनिज्म था, उसके 24th और जो लास्ट हमारे त्रिंकारा थे, ठीक है, जो तीर्थकर थे, वो वर्धमान महावीर थे, ठीक है. उन्होंने भी अपने जो विचारों थे, अपने जो विचार थे, उनको उन्होंने एक्सपेंड किया, ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज. उन्होंने अपने मैसेज को स्प्रेड किया, फैलाया अराउंड दिस टाइम. किस टाइम में? 2500 ईयर्स अगो के थे ये. एंड ही वाज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी. वो कौन थे? वो कोई संत नहीं थे, ठीक है, वो कोई सेंट फैमिली से नहीं थे. वो क्या थे? वो एक जो हमारे वज्जी संघ आपने पीछे पढ़ के आए हो ना, महाजनपद के अंदर वज्जी संघ का ग्रुप, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ द वज्जी संघ. ये जो ग्रुप बता रहे हैं उसका, ये वज्जी संघ का ये पार्ट था. तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो महावीरा जी थे, वो वज्जी जो संघ था उसके लच्छवी, जो लच्छवी कौन सा मतलब क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लच्छवी, जो लच्छवी वंश था, ठीक है, कुल था, उसके एक क्षत्रिय प्रिंस थे, ठीक है. एंड वो ये कहते हैं कि अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5. आपने वज्जी के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो. एट द एज ऑफ द 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट. अब क्या हुआ कि जब इन्होंने, इनकी ना ये भी
बड़ा सोचते थे ये, जब इन्होंने जब वेदों को पढ़ा या उनको पढ़ा तो इनके माइंड में बहुत सी चीजें आई। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब ये 30 की ईयर के थे, जब ये 30 साल के थे, तो इन्होंने घर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया और ये जंगलों में चले गए रहने के लिए, क्योंकि ये कहते ये भी सच्चाई को, ये सच जानना चाहते थे, ये हमारी लाइफ का सच को, ट्रुथ को जानना चाहते थे। तो इस तरीके से इनके अंदर जो क्रोसिटी थी ना, इसकी वजह से इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और ये जंगलों में रहने के लिए चले गए। फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड। अब जब ये 12 साल के थे, तो 12 साल तक तो इन्होंने क्या करा, बड़ा ही कठिन और एक कहते हैं ना कि एक लोनली लाइफ, ठीक है, एक बड़ी हार्ड और लोनली लाइफ इन्होंने व्यतीत किया। और इसके बाद उन्हें क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हो गया इन्होंने 12 साल तक, ठीक है, ये बड़ी इन्होंने कठोर तपस्या की और ये अकेले रहे। और एट दी एंड इनको क्या हुआ, इन्हें भी महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध, अच्छा आपको मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले जैनिज्म आए, मतलब कि महावीर पहले आए हैं, उसके बाद बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध आए थे, ठीक है। तो जैसे महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था, जैसे उनके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसे ही इन्हें भी कठोर तपस्या के बाद इन्हें भी एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, इन्हें भी ज्ञान का ही प्राप्ति हुई। ओके, नाउ ही टोटल सिंपल डॉक्ट्राइन। तो इनकी जो शिक्षा थी ना, वो मतलब जो ये टीच करते थे, तो इनकी जो शिक्षा थी तो बड़ी सिंपल थी, बड़ी सिंपल मतलब सरल सिंपल थी। एंड मैन एंड वीमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम। ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि अगर किसी को भी, चाहे वो मैन है या वुमेन है, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, उसको अगर मतलब वो अगर सत्य को जानना चाहता है, अगर उसको इच्छा है सत्य ट्रुथ को जानने की, तो उसको क्या करना चाहिए, उसे सबसे पहले अपना घर छोड़ना चाहिए, उसे घर बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो वो ये कहते थे कि उसको घर छोड़ना पड़ेगा अगर किसी को भी क्या करना है, अपनी लाइफ, उसको लाइफ की सच्चाई को जानना है, सो दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली रूल्स ऑफ द अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव। अब यही कहते हैं कि इन्होंने ना अहिंसा का जो नियम था, ठीक है, उसका बड़े ही स्ट्रिक्टली इन्होंने उसको खुद भी फॉलो किया, और इन्होंने उनको बोला कि आप जो है ना अहिंसा को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको सच को जानना है। और किसी भी लिविंग थिंग को, किसी भी जीव को, ना तो कोई आपने कष्ट देना है,